हेलो वेलकम टू माय सब दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार। सब अच्छे रहो और सदा खुश रहो। मेरा आज का ब्लॉग मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मेरा चैनल है किचन और ब्लॉगिंग, तो खाना मैं स्पेशल तो आज कुछ नहीं बना रही हूँ, बस चावल और उसके साथ क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये है करेला। करेले का सब्जी तो नहीं बनाऊंगी, बस करेला और आलू बॉईल करके वही हम आज का और एक संडे स्पेशल रेसिपी और कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं इसका तो आपको पता चल जाएगा मेरे ब्लॉग में। बने रहो और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए सबको दिल से बहुत बहुत प्यार। फिर से आज दोपहर का जो हम जो खाना बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल खाना होगा, क्योंकि रात को हम हेवी खाने वाले हैं। तो लंच के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। ये लाल साग जो है हम इसको बहुत पसंद करते हैं सभी घर के, तो यही आज बनने वाली है। और इस साग बनाने के लिए साग को पहले मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लिया है और छोटा छोटा इसको महीन काट के इसको रख लिया है। साग पहले धोना फिर काटना, धोने के बाद नहीं तो रस सारा निकल जाता है। लहसुन को मैंने ऐसे पीस लिया है और आज खाने में लंच में ना ये करेला जो है आलू के साथ मैं बॉईल करने वाली हूँ। ये इसको भी हम ऐसे खाएंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे। बस इसमें बॉईल होने के बाद थोड़ा सा नमक और सरसों की तेल, जस्ट 2-3 ड्रॉप। अभी साग मैं बना रही हूँ, लहसुन डाल रही हूँ तेल गर्म होने के बाद, कलौंजी लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची। मैंने रेड चिली डाल दी, आप जो भी ग्रीन चिली भी डाल सकते हो या जो तीखा भी खा सकते हो। मैं मेरे हिसाब से ये बना रही हूँ। इसमें साग डालने के बाद थोड़ा सा चला के इसमें हल्दी नमक डाल के फिर चला रही हूँ, ताकि साग जो है ना नीचे ना लग जाए। क्या सीम करके रखी है और अभी मैं थोड़ा और चलाऊंगी और इसको ढक के टाइम देके मैं पकाऊंगी। ये साग बनके तैयार हो जाएगा। ये साग हम सभी को, जैसे घर के सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, पूरा जो हमारा प्लेट है खत्म हो सकता है अच्छे से। तो ज्यादा कुछ आइटम नहीं है। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम हो गई है और हम आज का जो ब्लॉग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब आपको दिखाने वाले हैं, जो एक्साइटिंग मोमेंट्स है अब आपसे शेयर करेंगे। तो हम अब तैयार होने होके कहीं जा रहे हैं, तो ये मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो ठीक है, आप बने रहें और देखते रहें क्या क्या होता है आगे। घर से बहुत दूर नहीं, पास ही है एक रेस्टोरेंट अरसलन बोल के, तो हम सब यहाँ पे आ गए हैं। पूरा 20 फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे। आज का स्पेशल एक दिन है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिन तो बहुत दिन पहले ही चला गया, मगर आज हम लेट सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम से वगैरह था। तो मेरा जो सास और ससुर का एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी, 50वां सालगिरह। वही मेरा जी यहाँ पे, ये सब ही मेरे सास हैं, मेरे सासू माँ की बहन और उनके
क्या बोलते हैं इनको, उनके भाई के जो वाइफ है और भाभी जी, और फिर मेरे सासू माँ ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई, बीच में देखो ये मेरे ससुर जी बैठे हैं, दोनों पास पास दोनों एक साथ बैठे हैं, और उधर और एक ग्रीन कलर का साड़ी पहनी हुई मेरी बुआ सास है, वो सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं, बहुत दिन बाद हम लोग एक साथ एक डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाए और अच्छा टाइम बिताए, क्योंकि हर दिन का महीनों तक हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, एक दूसरे के पास नहीं जा पाते, मिल नहीं पाते, तो इस ओकेशन की वजह से हम सब लोग एक छत के तले एक डाइनिंग टेबल में आके टाइम बिताए, सभी के मुंह में सभी के फेस में स्माइल है, आप देख रह सकते हो, और मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने थोड़ा क्लिपिंग्स भी ले लिया आपके साथ शेयर करने के लिए, और इस दिन को मैं ज़िंदगी में यादगार बना के रखना भी चाहती हूँ, तो मैंने एक ब्लॉग भी बना डाला। खाना आ गया टेबल में, आप देख रहे हो सिंपल है, चिकन बिरयानी, उसके साथ एक चिकन का ही एक कड़ी है, और स्टार्टर में था कबाब, चिकन कबाब और सलाद, और हमारा ड्रिंक्स था लेमन स्वीट लाइम सोडा, और लास्ट में हम लोग लिए थे फिर कुल्फी। बस ये सब जो डिश है ये रेस्टोरेंट का बहुत ही स्पेशल डिश है, रेस्टोरेंट एयरपोर्ट से बहुत पास है, खास दूर नहीं है और बिल्कुल रोड साइड है, तो अगर आप कोई भी कलकत्ता आओगे घूमने के लिए ज़रूर अरसलन विजिट करना, यहाँ पे खाने आना, यहाँ का जो बिरयानी है बहुत फेमस और टेस्टी बिरयानी बनता है यहाँ पे, कुल्फी भी बहुत टेस्टी था, मैंने 2 कप ले लिया, मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ, काफ़ी लोगों को मालूम भी है, तो स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ये बात मालूम है, तो उनका कप वो मुझे दे दिए, तो 2 कप कुल्फी मेरा मुझे बहुत पसंद था, मैंने 2 कप कुल्फी अच्छे से इन्जॉय किए। और अब थोड़ा सा आपको मेरा शाम का जो ब्यूटीफुल इवनिंग था उस दिन का, उसका थोड़ा लंबा चौड़ा छोटा मोटा क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी का तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, लंबा सा टेबल था, तो ऐसे ही सारा दिन ये मेरे जो बुआ जी है ना, उनके हस्बैंड हैं, तो सभी लोग वीडियो कैमरा कर रहे हैं और पिक्चर ले रहे हैं, मेरे नानंद के हस्बैंड उधर है वो, और मेरे हस्बैंड तो इधर है, वो दिखाई नहीं दे रहे। हेलो, आज सब एक साथ हुए हैं मेरे मम्मी पापा के 15th मैरिज एनिवर्सरी के तो फंक्शन में, तो सब एक साथ इकट्ठे, बहुत मजा आ रहा है और हम एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ, आप भी हमारे साथ रहिए और एंजॉय भी करिए, और जो हम खा रहे हैं वो नॉन वेज जरूर खा रहे हैं, तो आप चश्मा पहन के भी देख सकते हो। आज मेरा दीदी का 50 साल शादी का 50 साल मिला, इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, बंगाली बोल के भी आप लोग समझ जाना, कोशिश करना, लेकिन हम लोगों का हिंदी अच्छा नहीं, मगर बहुत अच्छा है, बट चलता है, 14 साल बाहर था, बॉम्बे था, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। तो मीठा से ये ब्लॉग भी थोड़ा ख़त्म होने वाला है अभी, हम सब थोड़ा कोशिश किए हैं हिंदी बोलने के लिए, तो मेरे मौसी जी ये है सासू माँ की बहन थी और सासू माँ भी थी, सब हंस रहे थे, हम थोड़ा सा क्लिपिंग्स उनके उनसे ले लिए हैं। अब हम घर लौट रहे हैं, रास्ता ये हमारे जो रूबी हॉस्पिटल है इसका जो इससे होके हम घर जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता है, आप देख सकते हो ये प्रॉपर एक जगह है साउथ कलकत्ता की, अच्छा है। आप अगर सोच रहे हो कि कलकत्ता बहुत क्लमजी है, बहुत भीड़ है, यहाँ पे नहीं दिखेगी वो सब कुछ। तो आज मैं मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, सारा दिन जो कुछ किया इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर की, और खाना वाना ज्यादा कुछ झमेला नहीं था सुबह,
इवनिंग में हमारा जो पार्टी था और जैसे हम लोग एंजॉय किए, सारे क्लिपिंग्स मैंने थोड़े थोड़े करके सबके साथ शेयर करने के लिए ले लिए हैं। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरे ब्लॉग इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।